आजकल के टाइम पे जब कहते हैं कि खूब पेस्टिसाइड्स और खूब केमिकल्स यूज़ होते हैं वेजिटेबल्स में, फ्रूट्स में या फिर फार्मिंग में, तब सब्जियों को कैसे हेल्दी करके खाएं और कैसे धोना चाहिए, आज आपको डाइटिशियन श्रेया बताएंगी कैसे धोना है। बहुत ही सिंपल है, आपको क्या करना है, जो भी आपके वेजिटेबल्स हैं पहले उसको कट नहीं करना है, आपको ये वेजिटेबल्स को ऐसे ही रखना है एज इट इज़, जैसे वो है। अगर आप कट कर देंगे तो अगर आप पानी में भिगोएंगे तो उसमें सारा बी वाइटामिन्स या जो वाटर सॉल्यूबल वाइटामिन्स होते हैं वो सब लीच आउट हो जाते हैं, तो खाने का बेनिफिट नहीं होता। आम घरों में देखा जाता है कि आपने घिया काटा तो आपने भिगो के रख दिया, या आपने कुछ और सब्जी काटी तो आपने भिगोने रख दी। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो वो पानी में सारे न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं और खाने की पूरी ताकत जो है वो निकल जाती है पानी में, जब हम पानी को फेंक देते हैं। तो राइट वे क्या होता है, डेफिनेटली हमारी अकेडमी है डाइटिशियन श्रेया अकेडमी DS है, उसमें हम लोग ये कॉमन चीज़ें सब गैस्ट्रोनॉमी एडवांस गैस्ट्रोनॉमी ये सब बताते हैं, मेथड्स ऑफ कुकिंग भी बताते हैं। पर अभी के लिए क्या है, अभी एक छोटा सा टिप है आप लोगों को फटाफट से नोट करना है, क्या है, जब भी आपको अपनी सब्जियों को धोना हो उसको काट के नहीं धोना है, आपको सारी सब्जियों को एज इट इज गर्म पानी में 5 मिनट के लिए छोड़ देना है। लेकिन छोड़ना किसके साथ है, एक मैजिक इंग्रेडिएंट्स है, वो मैजिक इंग्रेडिएंट एक ही है और वो है एप्पल साइडर विनेगर। सो आप क्या करेंगे, एप्पल साइडर विनेगर, सेब का सिरका, अब जिनके पास सेब का सिरका नहीं है वो नींबू यूज़ कर सकते हैं, बेकिंग सोडा हम लोग यूज़ नहीं करते क्योंकि उससे विटामिन सी ख़त्म हो जाता है। तो मेरे हिसाब से जो बेस्ट होता है सब्जियां धोने के लिए जो मैं यूज़ करती हूँ, मार्केट में तो वैसे बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो अवेलेबल हैं लेकिन मैं एप्पल साइडर विनेगर यूज़ करती हूँ। सो क्विक टिप क्या है, गर्म पानी लीजिए, सब्जियां लीजिए एज इट इज़ काट के नहीं, और गर्म पानी में 5 मिनट भिगोया और आपने एक ढक्कन जो है एप्पल साइडर विनेगर इसमें डाल के छोड़ देना है। एप्पल साइडर विनेगर क्या करेगा, सारे केमिकल्स पेस्टिसाइड्स या जो भी डर्ट है, अब जैसे मशरूम्स बहुत हेल्दी होते हैं, बहुत अच्छा प्रोटीन सोर्स होता है इसमें, अब अगर आप देखेंगे ये वाला अभी अच्छे से भीगा नहीं था, ये काला है, और अगर आप बिफोर आफ्टर देखेंगे तो ये फेयर एंड लवली हो गया है मशरूम। सो एप्पल साइडर विनेगर का ये मैजिक है। सो 5 मिनट के लिए हम इसको ऐसे छोड़ देंगे और 5 मिनट के बाद हम क्या करेंगे, इसको पानी को फेंक देंगे और इसको फ्रेश पानी से एक बार, जो आपका ड्रिंकिंग वाटर है, ड्रिंकिंग वाटर से हम लोग इसको निकाल देंगे ताकि एप्पल साइडर विनेगर का जो सिट्रस फ्लेवर है वो भी निकल जाए, बस। और ये आपकी सब्जियां धुल गई, यू आर गुड टू गो। अब बच्चों को खिलाओ, खुद खाओ, जैसे मर्जी।